जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिविल सर्विसेज की तैयारी में और स्टेट पीएससी की तैयारी में, साथ ही साथ सीएपीएफ या कोई भी एग्जाम में। तो आज हम जो इंडियन पॉलिटी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इंडियन पॉलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे लिए ये इंडियन पॉलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट। मैं ये बातें नहीं करने जा रहा हूं कि भाई चूंकि हम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे हम काम करते हैं। नहीं नहीं, अपने को इतना ज्यादा नहीं सोचना है, अपने को सिर्फ ये सोचना है कि भाई हम इंडियन पॉलिटी अपने एग्जाम के लिए क्यों पढ़े। तो अगर हम बात करेंगे अपने एग्जाम की, तो आप विश्वास करो कि सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है आपकी, यानी कि IAS, इसमें 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, इस तरीके से रेगुलरली पिछले 5 से 6 सालों में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो पूछे गए। किसी किसी साल हो सकता है 13-14 क्वेश्चन भी गए हों, लेकिन ज्यादातर आप 22-20-18 क्वेश्चंस के रेंज में आप पाएंगे। कभी कभार डायरेक्टली हो सकता है पॉलिटी से ना भी जुड़ा हो, इनडायरेक्टली वो जुड़ा रहेगा, लेकिन लगभग इतने क्वेश्चंस आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। और सेम चीज अगर हम यूपीपीसीएस में जाएं या किसी और पीसीएस में जाएं, तो वहां पे भी हम देखेंगे कि लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आराम से हम कवर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इन सब्जेक्ट को, यानी कि इंडियन पॉलिटी को और कॉन्स्टिट्यूशन को, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इनको नेग्लेक्ट किया तो कहीं ना कहीं हमें लेने के देने पड़ सकते हैं, और इसलिए इसको हम सीरियसली लेंगे। तो आप हमसे एक वादा कीजिए कि आप इस पॉलिटी को हमारे इस पूरे सफर में बहुत ही सीरियसली लेंगे, और पॉलिटी का जो पेपर है इसको प्रिलिमिनरी के हिसाब से ही नहीं बल्कि मेंस के हिसाब से भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पॉलिटी की कि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आईएएस का पूछा जा रहा हो चाहे पीसीएस का पूछा जा रहा हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप सुने भी नहीं रहेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन जो सुने भी ना हो उनको कैसे सॉल्व किया, उनको सॉल्व करते हैं हम एनालिसिस से। तो हमारा जो स्टाइल होगी, हमारी जो स्टाइल है, तो जो भी हमारी स्टाइल होगी स्टडी की और टीचिंग की, अध्ययन और अध्यापन जिसको आप कहते हैं, अध्यापन एवं अध्ययन, इन दोनों में क्या चीज सबसे कॉमन रहने वाली है, और वो है जो सबसे कॉमन रहने वाली है वो है विश्लेषण। हमारी जो पूरी तैयारी है वो विश्लेषण आधारित तैयारी होने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी में भी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो विश्लेषण आधारित अगर हम अध्ययन और अध्यापन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या पॉलिटी सिर्फ प्रिलिमिनरी के लिए ही महत्वपूर्ण है? नहीं जी, अगर हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपीएससी को लेंगे तो वहां पे भी ये काम आएगा, अगर हम पीसीएस को लेंगे तो वहां पे भी काम आएगा, और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी जीएस के सेकेंड पेपर में
बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। और ये जो हमारा हमारा जो मेथड है अध्ययन और अध्यापन का विश्लेषण आधारित, ये भी मेंस में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे वहां पे जो बिना विश्लेषण के तो आ ही नहीं सकते। आजकल राय पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर राय पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओपिनियन पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको आप ज्यादातर बिना विश्लेषण के सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस अध्ययन के एक नए दौर को, और ये देखते हैं कि आखिर हम इंडियन पॉलिटी को कैसे पढ़ने वाले। सो भारतीय जो राज व्यवस्था है, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, सो इसकी पढ़ाई हम कैसे करेंगे, कैसे हम आगे अपने क्लासेस को चलने वाले। देखिए इसका मतलब है कि जो हमारी लक्ष्मीकांत की बुक है ना, आपने देखा होगा लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, लक्ष्मीकांत की जो बुक है, लक्ष्मीकांत की जो किताब है, वो हमारा आधार होगी कहीं ना कहीं। मेरा उद्देश्य क्या है, इसको अपडेट करना, जो कुछ भी लक्ष्मीकांत में नहीं दिया होगा वो भी हम कवर करेंगे, और इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी स्टडी अपडेटेड होने वाली है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लक्ष्मीकांत ने जो किताब पढ़ेंगे आप लोग, वो फैक्चुअल बहुत ज्यादा है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मिस हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी आगे पीछे की स्टोरी आपको समझ में आ जाए तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, वो बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर सकती है। तो हम देखेंगे कि विश्लेषण के जरिए, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में रुकी रहे और इसको अपडेट भी कर लेंगे इसी भरोसे। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठ, सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से चलते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1600 में इसे भारत के साथ या पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है क्वीन एलिजाबेथ से। देखिए इस पीरियड को जब ब्रिटिश भारत में आए, जो यूरोपियंस आए, नॉट ब्रिटिश, सिर्फ ब्रिटिश की हम बात नहीं करते, यूरोपियंस आए, तो यूरोपियंस और यूरोपियन से पहले जो यूरोपियन से पहले के आक्रांता थे और जो यूरोपियन आक्रांता थे, दोनों में आखिर क्या अंतर था। यूरोप से जो लोग आए, डच, फ्रेंच, ये सारे लोग आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगालीज, ये सारे लोग जो आए, क्या अंतर था। द यूरोपियन आक्रांता इनका नाम मैंने रखा है। इनसे पहले जो भी लोग आए उनकी सबसे खास बात क्या थी कि वो सब भारत में बस गए, उनमें से ज्यादातर भारत में बस गए, जबकि जो यूरोपियन आक्रांता थे इन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। इन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, जबकि जो यूरोपियन के पहले आक्रांता थे उन्होंने भारत में बस के, भारत को ही अपना समझ लिया।
भारत को अपना देश बना लिया। इनमें से अगर हम बात करें मुगल की, तो मुगल आए यहीं पे बस गए, लेकिन आप देखेंगे जो फ्रेंच आए, जो आपके डच आए, जो आपके पुर्तगाली आए, ये सब सिर्फ भारत में व्यापार करने आए, और भारत की बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने ध्यान से देखा और उन समस्याओं का अपने फायदे के लिए उपयोग किया। उन्होंने देखा कि हम किस तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उन्होंने देखा कि हमारी कौन कौन सी कमजोरियां हैं, और अंततः इन सब में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सर्वशक्तिमान निकली, जो ब्रिटिश लोग थे वो सर्वशक्तिमान निकले, सर्वसे बुद्धिमान निकले, और उन्होंने अंततः सबको पिछाड़ते हुए भारत पर कब्जा किया। भारत पर कब्जा करने के साथ साथ भारत की संपूर्ण संपदा पर भी इन्होंने कब्जा किया, और भारत के पूरे बाजार पर कब्जा किया, भारत के लोगों पर कब्जा किया, और अंततः भारत की सभ्यता पर भी कब्जा किया। भारत की सभ्यता पर कब्जा करते करते इन्होंने धीरे धीरे वहां की राज्य व्यवस्था को बदलते रहे, अपने प्रशासन को थोपते रहे, और भारत में एक ऐसी राज्य व्यवस्था डाल गए जिन्हें अंततः हमने अपने संविधान में भी लिया। हमें नहीं कह सकते कि सब कुछ उन्होंने खराब किया, लेकिन हाँ, उनका उद्देश्य ठीक नहीं था। कभी कभार आप बुरे उद्देश्य से किसी को तलवार मारते हैं, लेकिन अल्सर कट जाता है जो पेट में होता है, तो वो ठीक भी हो जाता है। इसका मतलब नहीं कि आपने कोई भलाई की, आपने तो उसको मारने के लिए तलवार मारी थी, हाँ उसको अल्सर था, वो कट गया, वो ठीक हो गया, या उसका भाग्य है। तो भारत के साथ भी सेम चीज हुई, जो भी आक्रांत आए उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाया। चलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर कि आप एक जगह पर व्यापार करने जाते हैं, मान लेते हैं आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अपने आप को रखो, और आप व्यापार करने जाते हैं भारत जैसे देश में, और भारत जैसे देश में देखते हैं कि वहां पे छोटे 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 बहुत सारे राज्य हैं जो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और आप यहां से देख रहे होते हो सब। एक्चुअली आप आए हो व्यापार करने के लिए, लेकिन आपके पास भी सेना है, आपके पास भी जो मॉडर्न है आधुनिक हथियार है, आपके पास भी धन है, आप देखते हो कि ये फूट पड़ी हुई है इन सब में, कोई एकता नहीं है, एकता नहीं है इन भारतीय शासकों में, एकता नहीं है। तो जब तक मुगल थे, औरंगजेब थे, 1707 तक, तब तक इनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो ब्रिटिश ने देखा एक बहुत बड़े अवसर को, और उस अवसर को इस रूप में देखा कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हुए चला गया, और यहां से बैठा हुआ ब्रिटिश देख रहा है। क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, चुपचाप बैठे रहोगे, इनको लड़ते रहोगे, या इस अवसर का फायदा उठाओगे। और ब्रिटिश ने सेम किया, उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया, इन राजाओं को आपस में लड़ाया, और एक का साथ दिया, दूसरे को हराया, दूसरे का साथ दिया, तीसरे को हराया, और इस तरीके से आ गया 1757, और 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। 1757, इसे क्या कहूं मैं, फेमस या इनफेमस, प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध या कुप्रसिद्ध, एक कुप्रसिद्ध युद्ध जिसमें धोखा होता है सिराजुद्दौला के साथ। मीर जफर नाम का इंसान जिसने धोखा दिया, किसको दिया धोखा दिया, किसको, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को, और यहां से पड़ती है ब्रिटिश की नींव, क्योंकि सिराजुद्दौला हारता है। 1757 में मीर जफर
बनता है बंगाल का नवाब, लेकिन अभी भी कुछ बाकी थी शान। 1759 जब शाह आलम दिल्ली में मुगल साम्राज्य की गद्दी को संभालता है, जो कि एक कमजोर शासक था। इनका जो राज्य था वो आलम से पालम। शाह आलम जो थे साहब, और इनके चिंडू मिंडू जो सारे लोग मिलकर के 1764 में लड़ते हैं एक और युद्ध, और उसका नाम था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ कब? 1764 में। और यहां से जो ब्रिटिश थे उन्होंने मजबूती से भारत के साम्राज्य को पकड़ लिया। क्या हुआ 1764 के बाद? 1764 के बाद 1765 में नींव पड़ गई ब्रिटिश साम्राज्य के उत्थान की, जब हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, जिसमें ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मिल गई का क्या मतलब है? अब यहां पे जो भी टैक्स वसूला जाएगा वो ब्रिटिश वसूलेंगे। 18 लाख रुपए सिर्फ देंगे वो इन मुगल साम्राज्य को या इन सारे चिंगुमंगियों लोगों को। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह पे जो रेवेन्यू है, जो वहां पे मनी है, टैक्स है, उसे वसूलने का अधिकार मिल गया। अब यहां से शुरू होता है खेल, यहां से शुरू होता है खेल द्वे शासन का। तो इस शासन का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट, कहीं कहीं पे द्वैध शासन भी लिखा जाता है। द्वैध शासन का मतलब क्या है? एक तरफ होगा कानून एवं प्रशासन, और दूसरी तरफ होगी दीवानी या मनी रिलेटेड। तो मनी रिलेटेड कौन संभालेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी इसे, और कानून और प्रशासन कौन संभालेगा? कानून एवं प्रशासन संभालेंगे वहां के जो राजा थे, रियासतें। और ये जो शासन है इसने बंगाल के शोषण की भी नींव डाल दी। और अब शुरू होता है शोषण भारत का। कैसे? भारत का शोषण शुरू होता है, भारत का शोषण शुरू होगा, क्योंकि अब जैसे तीतर के हाथ में बटेर लग जाए, क्योंकि अब इनके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। जो ब्रिटिश थे इनके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, इनको सिर्फ पैसे वसूलने थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी? जो कंपनी के ब्यूरोक्रेट नौकर शाह थे, इनकी क्या खास बात थी जरा सोचो। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर शाह थे, इनको भी व्यापार यानी कि निजी व्यापार करने की छूट थी, निजी व्यापार करने की छूट थी। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब यह है कि जब किसी कंपनी में नौकर साह काम करते हैं तो अपना व्यापार अलग कर सकते हैं और कंपनी का व्यापार अलग होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि एक तरफ कंपनी अपना व्यापार करेगी और दूसरी तरफ नौकर साहों का अपना निजी व्यापार। मैं आपसे फिर से प्रश्न पूछता हूं कि आप एक बड़ी सी दुकान में काम करते हो एज एन एम्प्लॉई, आप एक एम्प्लॉई हैं और बड़ी सी दुकान में काम करते हैं और आपको छूट है कि आप अपनी भी दुकान चला सकते हो, आपकी अपनी दुकान और एक बड़ी दुकान में आप काम, कहां आप ज्यादा एनर्जी लगाना चाहोगे, कहां आप ज्यादा फोकस करना चाहोगे, उस बड़ी दुकान में जहां आप काम कर रहे हो या अपनी छोटी सी दुकान में? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग सिद्धांतवादी लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो बड़ी दुकान पे कंसंट्रेट करें, हम तो दोनों जगह कंसंट्रेट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास भरी बात है। बड़ी दुकान से आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपकी छोटी दुकान भी उसी चीज की है जिसके लिए बड़ी दुकान है। तो क्या होगा, आप छोटी दुकान कैसे भरोगे? बड़ी दुकान से चोरी करके भरोगे, शोषण करके भरोगे। और यही हुआ सेम चीज नौकरशाह एक तरफ, सोच के देखना, नौकरशाह एक तरफ अमीर होते चले गए और दूसरी तरफ जो कंपनी का व्यापार है, कंपनी घाटे में जाने लगी। सोच के देखना, कंपनी को इतना बड़ा अधिकार मिल गया, पूरे बंगाल बिहार उड़ीसा का रेवेन्यू वसूलने की छूट मिल गई और कंपनी घाटे में जाती चली गई। और ये भाई साहब अमीर होते चले गए नौकरशाह। भारत आना वैसा ही ड्रीम था जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा की पोस्टिंग, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जगह, समझ गए ना? जैसे किसी ब्यूरोक्रेट को सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जगह चाहिए होती, उसके लिए कुछ भी पैसा देगा, वैसे इंडिया आने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने पैसा देने की बात करी, घूस दे दे के इंडिया आना चाहते थे। और जब इंडिया से लौटते थे तो क्या खरीदते थे? पानी की जहाज। जरा सोच के देखो कि तुम्हारा एक पड़ोसी हो जो नौकरशाह हो और वो ब्रिटेन में आपका पड़ोसी हो, आप ये है एक आईसीएस ऑफिसर, ये है दूसरा आईसीएस ऑफिसर। इसकी खास बात क्या थी कि ये भारत आ गया, भारत में इसकी पोस्टिंग है और इसकी पोस्टिंग कहां है? ब्रिटेन में है। अब भाई साहब ये जो भारत में पोस्टिंग है, जब ये लौटता था ब्रिटेन लौटने पर धनी होता था, पानी की जहाज खरीद लेता था, खरीद सकता था इतना पैसा। मैं फिर ये पूछता हूं कि ये जो ब्यूरोक्रेट होगा ये जो आईसीएस ऑफिसर होगा, इसको जलन होगी कि नहीं होगी? और इस जलन में एक्शन लेगा कि नहीं लेगा? और एक्शन कैसे लेता है? एक्शन नहीं लेता कि अमीर होता जाना, कहता है भारत का शोषण हो रहा है। और ना 1772 तक पहुंचते कंपनी लगभग डूबने के कगार पे आ गई। और ये भाई साहब जो ब्यूरोक्रेट्स लोग थे, जो भारत में पोस्टिंग होती थी, ये अमीर होने के इतने अमीर हो गए कि क्या बताया जाए, क्योंकि ये निजी व्यापार करते थे, कंपनी से अलग निजी व्यापार करते थे। निजी व्यापार का मतलब खुद का व्यापार। और अंततः वो दिन आया जब कंपनी को ब्रिटिश सरकार से उधार मांगना पड़ा। कंपनी डूब चुकी थी
लगभग डूब चुकी थी। 1772 में जब कंपनी डूबने का कगार पर, तो उसने ब्रिटिश सरकार से सहायता मांगी। ब्रिटिश सरकार ने जब सहायता मांगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठा कि कंपनी का शोषण हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है, और इसलिए अब ब्रिटिश को भी एक मौका मिल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी एक मौका मिल गया कि अब इसके ऊपर शिकंजा कसा जाए। और फिर 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यह पहला अधिनियम था जिसने सबसे पहले शिकंजा कसा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। क्या सबसे पहला काम करेगी, सोचो जा, इस एक्ट में सबसे पहला काम क्या होगा जिसकी वजह से कंपनी डूबी होगी? सबसे पहला काम यह करेगी क्या, ब्यूरोक्रेट्स के जो निजी व्यापार है उस पर प्रतिबंध। तो सबसे पहला काम जो हुआ, इसने क्या किया, नौकरशाहों के निजी व्यापार और प्रतिबंध, व्यापार प्रतिबंध, ये सबसे पहला काम होगा कि नहीं होगा? दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम क्या हुआ कि भाई ऐसा है कि अब जब ब्रिटिश में जो कुछ भी आप यहां पे पजेशन है, तुमने जो जमीन वगैरह कब्जा की है ना, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन माना जाएगा। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट, शायद आप लोग जानते होंगे, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका क्या फर्क पड़ा, इसका क्या फर्क पड़ा? बंगाल का गवर्नर जनरल का मतलब हुआ कि अब इसके अंडर में मद्रास एवं आपके जो बॉम्बे के गवर्नर को इसके अंडर में डाल दिया। इन दोनों को क्या किया गया, अधीन कर दिया गया। बोला गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन को कर दिया गया, उसके कहने के बाद ही आप काम करोगे। एक बात और हुई, वो क्या हुई कि एक सुप्रीम कोर्ट का भी गठन किया गया, एक उच्चतम न्यायालय, न्यायालय बनाया गया। कहां बनाया गया, फोर्ट विलियम पर, एक फोर्ट था उसका नाम था फोर्ट विलियम, यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और इस सुप्रीम कोर्ट को जितने भी वहां पे मामले थे सब पे अधिकार दिया गया कि किसी भी मामले पर हस्तक्षेप कर सकता था। आखिर इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो था संतुलन का सिद्धांत अपनाना। संतुलन के सिद्धांत को अपना करके कंपनी के जितने भी मामले थे उनको संतुलित करना। तो इसमें जो सिस्टम अपनाया उसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, चेक एवं बैलेंस के प्रक्रम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया गया। कैसे,
गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई, गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई जिसमें चार सदस्य, और इन चारों सदस्यों की राय पर ही गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय ले सकता था। तो जरा सोचो, कि यहां पे थे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर, जिनको रख दिया गया किसके नियंत्रण में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को, और इसको किसके अंडर में रख दिया गया, परिषद के। और अंततः इनको लगभग किसके अंडर में रख दिया गया, उच्चतम न्यायालय के। तो यहां से ध्यान से देखोगे चेक एंड बैलेंस का पूरा सिस्टम है कि नहीं है, ऊपर से नीचे तक पूरा संतुलन है कि नहीं है, लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गई। क्या खामियां रह गई, कि नंबर वन, जो भाई साहब बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर थे, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अभी भी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहे थे, नंबर दो, जो आपके उच्चतम न्यायालय था एवं गवर्नर जनरल परिषद के बीच शक्तियों का बंटवारा, न्यायक्षेत्र, न्यायाधिकार, क्षेत्र का बंटवारा स्पष्ट नहीं था, कुल मिला के यह है कि जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका परिषद थी, वो बहुत सारे निर्णय ले रहे थे। गवर्नर जनरल क्या कहता था कि भाई पहले तो कोई न्यायालय था नहीं, तो कहां जाते थे लोग, जाते थे गवर्नर जनरल के पास। लेकिन प्रॉब्लम है कि अब न्यायालय बन गया, तो क्या प्रश्न ये उठा कि क्या गवर्नर जनरल के परिषद के पास अभी भी वो अधिकार है या नहीं है, क्या इन्हें अभी भी कोर्ट की तरह काम करने का अधिकार है या नहीं है, स्पष्ट ही नहीं था। तो ये दो खामियां थी जिसके लिए 1781 में पुनः एक संशोधन किया गया, द एक्ट ऑफ जुडिकेचर भी बोलते हैं उसको, 1781 के संशोधन में दो बातें निकल के आई। पहली बात ये कि गवर्नर जनरल एवं उनकी जो परिषद थी
के पास भी मुकदमे सुनने का अधिकार था। सुनने का अधिकार था। और दूसरा, जो उच्चतम न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है, यह क्या करेगा? ये जब भी कोई निर्णय भारतवासियों के लिए देगा, भारत के निवासियों पर कोई निर्णय देगा, तो हिंदू कानून एवं मुस्लिम कानून को भी दिमाग में रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि सारा ब्रिटिश कानून के हिसाब से चलेगा। तो दो काम किए गए 1781 के संशोधन में, लेकिन क्या सारी खामियां अभी भी रह गई? सारी खामियां दूर हो गई? नहीं, अभी भी बहुत सारी खामियां रह गई, जिसकी वजह से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम आया। पिट्स इंडिया अधिनियम आया। इस अधिनियम की क्या खास बात थी भाई साहब? पिट्स इंडिया एक्ट की क्या खास बात थी? इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ वो ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को दो भागों में बांट दिया गया। भाग एक को बोला गया व्यापारिक कार्य, और भाग दो को बोला गया प्रशासनिक कार्य या राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य भाई साहब, जो व्यापारिक कार्य था इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेगा। संभालेगा। और जो राजनीतिक कार्य होगा, इसके लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या काम करेगा? सारे राजनीतिक कार्य करेगा, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सारे व्यापारिक कार्य करेगा। ध्यान से देखो, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसकी हालत क्या हुई? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसके साथ क्या हुआ जरा देखो। अब गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, इसकी क्या खास बात हुई कि अब इसके पास दो मास्टर का मतलब है कि इसे दो लोगों की जी हुजूरी करनी पड़ती थी। गवर्नर जनरल को व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जी हुजूरी करेगा, और
राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए किसकी हिजूरी करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। समस्या होगी कि नहीं होगी? दो मास्टर्स की सेवा कैसे करेगा? तो क्या किया जाए भाई साहब? और क्या किया इन्होंने? जो बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके ऊपर थोड़ी और सख्ती बरती गई, वो भी निर्णय लिया गया इसी अधिनियम में, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के अधिनियम में। ठीक है, इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम बड़ा ही स्पेशल है। 1786 का अधिनियम क्यों लाया गया? ये लॉर्ड कॉर्नवॉलिस साहब के मना करने पर कि भाई हम वहां पे नहीं जाएंगे भारत। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवॉलिस को दो विशेष अधिकार देने के लिए लाए गए थे, इसको लाया गया। क्या है वो दोनों विशेषाधिकार? तो पहला विशेषाधिकार है नंबर एक कि कॉर्नवॉलिस को सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया, और दूसरा जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके निर्णय पर कॉर्नवॉलिस वीटो कर सकता था, तो लॉर्ड कॉर्नवॉलिस दोनों उसके जो परिषद थी उसके निर्णयों पर वीटो लगा सकता था। यह सबसे खास बात। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि भारत के संवैधानिक विकास में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किस तरीके से एक एक अधिनियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगे के अधिनियम पर चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे और आप विश्वास करें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी जो चल रहा है वो सिर्फ इंडियन पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आप इसको दो तरीके से देखिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से तो लोग तो समझेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, लेकिन आप तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ रहे हो, तो आपकी इच्छा आप इसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री समझो आप इंडियन पॉलिटी समझो, लेकिन ये तो पढ़ना तो पड़ेगा। So thank you very much. We are meeting very soon with our Neville Excel. Till then, take care. Bye-bye. Thank you.